जस गलबात दे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सारे नु अरविंद कौर दी प्यार भरी सत श्री अकाल जी। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। बहुत धन्यवादी हैं एक खास यंग बच्चों ते जिन्होंने साढ़े वाल ध्यान दवाया एज वेल ए रिक्वेस्ट की है कि अज का टॉपिक जरूर डिस्कस किया जाए। वो इस चो गुजर रहे ने, सोचते ने कि सियाने ने संभाल लेंगे, बट उन्होंने दर्द इस चीज़ का भी है कि होर जिहड़ी फैमिलीज़ दे विच इस तरह का हो रहा है, उन्होंने एक कट्ठा एक दे आस्किंग फॉर सम काइंड ऑफ यूनिटी कि की करिए, क्योंकि उन्होंने इंज लगता है कि बड़ी होपलैस सिचुएशन है। अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़ खास तौर पर असी करते हैं कि किसी भी रिलेशनशिप दे विच असी उन्हों खास तौर पर डोमैसटिक वायलेंस का भी नाम देंदे हाँ, पर इंटीमेट पार्टनर अब्यूज जिहड़ा है कि स्पाउस दे विच हस्बैंड एंड वाइफ दे विच बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दे विच ओ एक चीज़ है। इन्हों का आज जिहड़ा खास तौर पर सवाल है कि बच्चों नाल जे पेरेंट्स शुरू तो आदत है उन्होंने कि जो गल समझानी है जो गल अपनी करवानी है वो एक अद्धा लगा के थप्पड़ लगा के गल करनी है, फिर उस तो बाद के वड्डे होंदे होंदे उन्हां दी ऑब्जर्वेशन है कि उन्हां दे घर दे विच पेरेंट्स नू एंगर इशूज़ हैगे हैं कि एंगर इशूज़ का मतलब है कि गुस्सा आना, सब नू गुस्सा आंदा है पर गुस्से दे विच बेकाबू हो जाना, यह ना पता लगना कि तुसीं की कर रहे हो और यू नो चीज़ां पन देनियां जो सामने हैगा उन्हूं मार लेना। सो इस तरह नाल उन्होंने देखिया अपने घर होंदया होया और हुण ए तीनों बच्चे अडल्ट ने, अडल्ट किड्स ने, 20 तो लैके 27 साल दे विच विच, एंड तीनों बच्चे ये देख रहे ने कि हाले भी कोई बदलाव नहीं आया। जदों बहुत ऑफन एक का पेरेंट नू गुस्सा आ जांदा ते वो हाले भी वड्डे ए नहीं देखते कि बच्चे वड्डे हो गए ने, वो फिर भी लगा देंगे थप्पड़ मुक्का पुश कर देना, यू नो टिपिकली फिजिकल अब्यूज़। सो होर बड़ी तरह के कभी भी फिजिकल अब्यूज़ कल्ला नहीं हुंदा, यू नो ए नौबत के तुसी हाथ चुको जो बहुत कुछ होर भी हो रहा होए इमोशनल तुसी मेलोड्रामा स्पेशली अगर पेरेंट्स वालों है कि यू नो अगर तुसी इंज नहीं करोगे तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, तुसी मैनू मार रहे हो, मेरी लाइफ घट रही है बिकॉज तुसी मैनू स्ट्रेस दे रहे हो। सो वो सारा कुछ, बट ओदी जिहड़ी परसेंटेज है घरां दे विच शायद ज़्यादा है, फिजिकल अब्यूज़ दी शायद घट होए, स्पेशली इत्थे अमेरिका च रह के जिथे असी मनदे आ, साडा बिलीफ है कि मोस्टली सारिआं नू अपने हक पता है और ईवन एक छोटे बच्चे नू भी फिजिकल अब्यूज़ जिहड़ा है वह गलत है। सो इन्होंने एक रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ ज़रूर दसो कि जदों एक तो पेरेंट नू एंगर इशूज़ दे नाल ऐ सिचुएशन आ रही है, उपरों एक कुड़ी खास तौर पर कह रही है कि मेरा ब्रदर भी, उन्हें रीजनस होणगे उहदे कि उन्हें भी यही देखा है उहदे नाल भी यही हुंदा है, पर वो इस वेले अडल्ट है, एंगर इशूज़ हैगे उहदे, एंगर च उन्हूं बिल्कुल गुस्से च पता नहीं लगता, चीज़ां भन्नण लग जांदा है पर फिर मैनू मारदा है, और जे कोई होए कि उन्हें मारिया तो पेरेंट यू नो उहदी साइड लवे कि हाँ नहीं गलत है भैणां नूं नहीं मारीदा, ऐसा नहीं हुंदा। वो हमेशा पेरेंट यही कहिंदा कि हाँ होर तू तू ही कोई यू नो हवा दित्ती होनी है इस आर्ग्यूमेंट नूं, या तू फिर आर्ग्यूमेंट ही क्यों करती है, क्यों अगों तू जवाब दिता, क्यों तू यह किया। सो मतलब इन्हां दी ही गलती मनी जाती है। सो आई अंडरस्टैंड एंड माई हार्ट गोज़ आउट टू दिस फैमिली के नॉट ओनली किड्स कि कुछ ना कुछ जिहड़ा डिसफंक्शनैलिटी है वो दिख रही है कि तुसी अपने आपे तो बाहर हो जाओ, एंगर च एक बंदे दा एंगर नहीं है, फ्यू यू नो मैंबर्स दे विच इतना गुस्सा कि मार कुटाई तक गल पहुंच जाए, और उपरों फिर बाहरों सारे
टकी हुई चीज़ है दुनिया के सामने, एक अच्छी फैमिली है, सब कुछ ठीक चल रहा है, और उस चीज़ को छुपाते छुपाते एक किड्स के उत्ते इन्ना प्रेशर है कि वो कहते हैं कि असं करिए कि अगर पार्टनर अब्यूज़, बॉयफ्रेंड हस्बैंड का अब्यूज़ है, तो कहते कि नहीं सवो नहीं, यू नो रिलेशनशिप चो बाहर निकल जाओ. बट हाउ इज़ इट पॉसिबल अगर असी फादर या इमोशनल अब्यूज़ बाय मदर या फिर ब्रदर, सिबलिंग जड़ी है, सिबलिंग राइवलरी खाली जड़ी वो छोटिया छोटिया होंदिया उस तो कितने ज़्यादा लंघ गई है गल. और हुण क्योंकि वड्डे हैं वो कहें कि पहले शायद बचपन च असी भी वापस लगा देंदे सी भरा नूं, हुण पता है कि इन्नी जान नहीं है, जे असी एक अद्धा वापस लगाया तो अपनी तो जान जाएगी, बिकॉज ही हैज़ मोर स्टैमिना, मोर फिजिकल स्ट्रेंथ. सो असी डरते रहने. की कहते हो इन्होंने बच्चों को की करना चाहिए है, किस तरह इस सिचुएशन च, यू नो आई नो इट्स अ वेरी हार्ड क्वेश्चन, रब ना करे किसी नाल इस तरह होवे, बट हैविंग सेड दैट ये हो रहा है, हुंदा है और टक्या भी जाता है क्योंकि घर की इज्जत है. इन्हों को भी इस वेले सब तो व्डा सवाल यही है कि होर कोई होए, कोई नेबर होए, कोई वर्क प्लेस होए, कोई फ्रेंड होए, तो असी कंप्लेन कर दिए, पर इस विच कंप्लेन करद्या बहुत सानू सोचना पैंदा है कि शायद साड़ी फैमिली दे उत्ते ही होर सारियां बड़ियां मुसीबतां आ जाणगियां अगर पुलिस इन्वॉल्व हो जाएगी, अगर बाहरले बंदियां नू पता लग जाएगा. सो प्लीज़ ज़रूर कॉल करो, बहुत जरूरी है कि तुसी सारे अज यू नो इस बारे गल करो. और मैं मनदी हाँ कि इस बारे गल हुंदी भी घट है किसी तरह के भी अब्यूज़ तो, बिकॉज़ कोई आके बाहर कहना कि मेरे नाल ये हो रहा है, पहले तो वही बहुत गट्स चाहिए हैं, यू नो सारे अपने जड़े फिजिकल अब्यूज़ मनिया होया, नॉट ओनली इन आ कम्यूनिटी, सिर्फ अपनी कम्यूनिटी की गल नहीं हो रही, हर कम्यूनिटी ह्यूमन नेचर है कि शुरू तो जो फिजिकल अब्यूज़ आते हैं वो छुपाए जाते हैं विक्टिम दे वालों भी, अब्यूज़र वालों भी, जिसनों पैरियाँ होंदिया वो भी काम ते जाके अपना छुपा के अपनिया चोटा चले जाता है, अगर कोई पुछदा है तो हाँ गिर गई सी या इंज हो गया सी, अचानक हो गया, कुछ ना कुछ स्टोरी रेडी होंगी है कि क्योंकि इस चीज़ की समझ या कॉम्प्रीहेंशन, मैं कहूँगी इस चीज़ नू अंदाज़ा लगाना कि जदों पुलिस इन्वॉल्व होएगी, जदों लॉ एनफोर्समेंट इन्वॉल्व होएगी, तो साड़ियाँ मुश्किलां वध जाणगियां कि कटणगियां, कि असी बिखर जावांगे एज अ फैमिली, और फिर किस तरह सरवाइव करांगे, और जो लव्ड वन है, और जिस तरह ये कुड़ी शेयर कर रही है बड़े आराम नाल कन्विंसिंगली शी टोल्ड मी कि उन्हों ये नहीं है कि उन्हों प्यार नहीं है, बहुत प्यार है पेरेंट्स नाल भी, ब्रदर नाल भी, हमेशा चाहते हैं कि उन्हों का बेस्ट होए, पर जो ये घड़ियाँ आदियाँ तो समझ नहीं आता कि की करो. सो हमेशा ही इस तरह की हालत बनी हुई है जिमें कोई कहना ना एग शेल्स के उत्ते चल रहा है, मतलब पता नहीं कि नैक्सट मोमेंट की होएगी, कि स्ट्रैसफुल होती होएगी वो, जिन्होंने असं कहने किरपान सिर पर टंगी हुई है, मतलब कदों ठक करके वजे पता नहीं, हर वेले तुसी उस तरह पोले पैरां नाल चल रहे हो, सोच रहे हो कि एक नैक्सट कड़ी का पता नहीं. सो इस तरह का स्ट्रैसफुल टाइम बहुत ज़्यादा नैगेटिवली इंपैक्ट करता है किसी की भी साइकी पर, लॉन्ग टर्म किसी नाल रिलेशनशिप्स पर. जिस तरह एक कुड़ी दे नाल गल हुई है तो इस पिछे यह लगता है कि अवेयरनैस हैगी है कि इस चीज़ तो मैं डिटैच होना है, बट टिप्स मांग रही है, तरीके मांग रही है कि प्लीज़ किसी ने ज़रूर ज़रूर कोई दसे कि किस तरह यह चीज़ हो सकती है. सो प्लीज़ ज़रूर कॉल करो, मैं एक छोटी जी कमर्शियल ब्रेक लैंदी हाँ, हाजिर होनी हाँ, पर तुसी आज कॉल जरूर करनी है. वेलकम बैक, सारे का स्वागत है. नो टॉपिक इस तरह का है जिदे साड़ी कुछ इनेट हैगी है कि जो चीज़ सानू दर्द देंदी है ना असी उस तो दूर भजदे हाँ, असी उन्हों अवॉयड करते हैं. डोंट डू दैट, कॉल जरूर करो, इस कुड़ी नाल गल जरूर करो क्योंकि बहुत हिम्मत करके ये सारे नाल गल कर रही है. लेट मी सी ए की कह रहे हैं. हैलो, हाँ जी हेलो, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल जी. हाँ जी कौन बोल रहे हो?
जी नसीब, मिनट, हाँ जी दोबारा आए तो शिवन बहुत खुशी हुई। नसीब जी, तन सुख तनवाद तोड़ा। कोरोना करके, हाँ हाँ जी बोलो, बैठ के कोरोना करके हाँ जी, मन सी। हाँ जी तो तुसी मेरे ठीक, ते मैं तो पहले मेरा ही लग गया काल। हाँ जी, हाँ ये वाल ये गल देखी दी ठीक है। पता कि मैं आप दे दादी में जिवें मेरे 3 बच्चे है, बड़ी बेटी छोटा जी बेटा देखो मेरा 50 साल का हो गया हूं, तब बहुत मैं भी 80 दी है, पर मैं 22 साल दिन हो गई छोटी कुड़ी। पर जी मैं आपकी लैब इतना बच्चा टच नहीं करके देखे भी किवें मारी दा, हाँ तो मैं इतनी सारी लाइफ च नहीं किया। बस आई कही जाती सी बचपन तो ही भी किड्डे स्याणे आ, मेरे बेटा किड्डा स्याणा है, बेटी किड्डी स्याणी है, आ कम कर लो तुसीं बहुत स्याणे आ। उन्होंने फिर स्याणे बनना पैंदा हाँ बच्चा नहीं, जी, हाँ जी, मैं नहीं उन्होंने मुंह पटकारिया। गुरु जी ने भी कहा कि बच्चा का मुंह नहीं पटकारना, तो साडे बाबा जी सीगे उस तरह करके समझ लो मैं हाथ ही नहीं लाया इन्होंने। तो स्याणे इन्ने मेरे तो इतने अमरीका जी कई मेरी नूह दियां जिहड़ियां सहेलियां ना, आंटी तेरे 3 बच्चे स्याणे हैं, तुम की करते, साढ़े बच्चे तंग करते आ, ये करते वो करते आ। हाँ पर जी, हूं तो जमाना बदल गया, जमाना भी चंगा सी, पर मैंने लगता है बच्चे में एक तो जमा टच ना करो, गभरू पत्त मुंडा भी हिम्मत यार हाथी नहीं लाना चाहिए। नसीब जी समझते हो और बहुत मतलब शाबाशी है तुहाडी ते कि किस जमाने च भी तुसी बच्चे इस तरह पैदा वड्डे किते ने, पर हाँ हुण तुसी की कहंदे हो इस बच्चे नू जिहड़ी उस इस वेले उस स्थिति च है कि जिथे भरा उठदा है ते ओह कुट लैंदा है, प्यो कुट लैंदा है। बहुत बहुत गलत गलत गल है, गल है जी, बहुत गलत। इन्हीं भी कह लगे मेरे और पोते पोते भी मैं पाले आ, की इन्हें करण सियाने की ना कुछ हैगा तुहाडे कोल जिहड़ा तुसी की कहोगे इस कुड़ी नू की करे इस वेले? बस ऐ कह सकती है भी मतलब इन्हू तो फिर प्यारी नु कहना डैडी नु समझ आनी चाहिए है भी जवान पुत नु पिछड़ भी गाने भी गाँव भी जवान पुत नु हथ ना चक गए, मत्यार धी हथ ना चक गए, तो बच्चों भी छोटे ना हथ ना चको, जो जी, छोटे बच्चे आप ना चको हथ चकन के नाल बच्चे उल्ट गलत गलत गुस्सा चढ़ता, गुस्सा पैदा होंगे, तो माँ प्यो तो गुस्सा आता ही है, वो बच्चे भी फिर चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो बच्चे बच्चे सही नहीं रह जाते, उन्होंने होर नहीं कोई प्रॉब्लम, उन्होंने जी ज्यादा रह जाएंगे सारे बहुत परिवार। माड़ियां जी, बहुत सही कह रहे हो हाँ नसीब जी, होर देखते हैं सारे की कह रहे ने, हाँ पर धन्यवाद इन्होंने ज्यादा रह जाएगा। एक जी, बार मेरे मुंडे ने मेरे हसबैंड ने टच कराया सी, और हले तक याद है उन्होंने। हाले तक याद। हाँ 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 बहुत ठीक है नसीब जी, सत लेट्स सी होर की कह रहे हैं, इन्हों पुछते हैं। हेलो, श्री अकाल अरविंद जी, बरिंदर बोल रहा हूँ। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल बरिंदर जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग, दसो की कहते हो अज? बड़ा सौखा है जी, जदों गुस्सा आवे जी, ते मिठी लस्सी पी लो। अच्छा अच्छा हुण कमिंग टू द पॉइंट, जी सेट दिस असाइड, राइट, ये गुस्सा सानू आंदा है और हर एक नू आंदा, छोटिया नू वड्डिया नू। जी मैं समझदा इहदा मेजर कारण हुंदा जदों साडे कोल किसे समस्या का हल ना हो, असी बेबस हो गए तो गुस्सा तो होंगे कि मैनू यदा हल क्यों नहीं निकल रहा, लेकिन असी दूजिया से कढ़ते हैं। ये गुण ये होने चाहिए ने गुर जी, के तुसी बोलन तो पहले सोचो, ये बहुत जरूरी है। जी दूजा साइलेंट रहो, अगर हल नहीं निकलता दूजा एग्रेसिव रहा, साइलेंट रहो और वो जड़ी समस्या उन्हों अपने मन दे विच दोहराओ के हो की रहा। ओके तीजा कि बोलन तो पहले कॉन्सिक्वेंसेस की निकलनगे की होंगे ओदे बारे सोचो कि तुसी जो पर बोलो बरिंदर ओदा जी रिएक्शन की होएगा, इस की वेले हो सकदा। इस वेले तुसी एक तां तुसी टीवी थोड़ा स्लो करो, बैक ते तुहाडी आवाज आ रही है, ते विक्टम जिहड़ी इस वेले कुड़ी जिहड़ी कह रही है कि मैं उन्हूं मार पै जांदी है, उहदे वास्ते की तुहाडी सलाह है? हाँ मैं उस ते भी आ रहा जी, मैं सिस्टमैटिकली चल रहा, पहले तो दसा के होंदा की है। जी दूजा जदों भी झगड़ा होंदा है, जी कम्युनिकेट विद द अदर पर्सन, लर्न द रीजंस बिहाइंड द कॉन्फ्लिक्ट, ओदा एंगर क्यों है, ओदे बारे ओदे पीछे की हो रहा है, अंडरकरंट क्यों की ने ओ सोचो। जी फिर नहीं हले समझ आ रहा, टेक अ ब्रेक, मूव अवे। दूजी कि अगर हले भी समझ नहीं आ रहा,
What are the reasons that make you or the other person angry? Third, ke dusre bandiyan naal gal karo aur ohna nu is samasya de bare ohna da perspective hi lo. Agar hal nahi nikaldi, then you need assistance from professional people, ohna di help lo. Hun ek kudi jehdi kehndi hai ke mainu marda hai. ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਨਾਟ ਟੱਚ ਮੀ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੰਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ ਆਈ ਵਿਲ ਰਿਪੋਰਟ ਟੂ ਦ ਪੁਲਿਸ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਐਨ ਅਡਲਟ ਸੋ ਆਰ ਯੂ ਸੋ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੋ ਡੋਂਟ ਓਵਰ ਰਾਈਡ ਮਾਈ ਰਾਈਟਸ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰ ਲੈ ਬਟ ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਟੋਲਰੇਟ ਦਿਸ ਦਿਸ ਗਰਲ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਫੋਰ ਹਰ ਰਾਈਟਸ ਸ਼ੀ ਡਸ ਸ਼ੀ ਡਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਬ੍ਰਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਯੂ ਨੋ ਜਿਸ ਇਟ ਮਾਈਟ ਬੀ ਈਜ਼ੀਅਰ ਸੈਡ ਦੈਨ ਡਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਨੋ ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਓਕੇ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਕਾਲ ਦ ਕੋਪਸ ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਯੂ ਨੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬਰਿੰਦਰ ਜੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਜੀ ਜੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਟਰਾਈ ਟੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਦ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੈਨ ਯੂ ਗੋ ਅਗੇਂਸਟ ਯੂਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਔਰ ਯੂ ਨੋ ਸਿਬਲਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਯੂ ਨੋ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਟਸ ਸੋ ਹਾਰਡ ਟੂ ਗੋ ਅਗੇਂਸਟ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟੈਪ ਅਪ ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਕਾਲ ਲੈਟ ਮੀ ਟੇਕ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਐਂਡ ਕਮ ਬੈਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਵੰਤ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਕਾਲਿੰਗ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੋਰੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਮੂਵ ਅਵੇ ਫਰਮ ਦ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਅਡਲਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਦੈਟ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅਲਾਉਇੰਗ ਦੈਮ to do whatever they are doing hitting yelling screaming whatever ji 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 which she has to now be very aware te hun enu eh dekhna ke main jehda pattern pehla allow kyunki assi we allow it par satwanji ena da kehna hai ki bahut bachpan to eh chal reha hai aur thode je you are so right ki oh thodi vaddi hoyi kehndi ki ta zyada hona shuru hoya haan ji ਸੋ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇ ਥੋੜੀ ਰਿਪੈਂਟੈਂਸ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਇੰਗ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਟ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਫੋਰ ਹਰ ਵਿਲ ਬੀ ਕਿ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੇ ਇਹ ਟ੍ਰਿਕ ਇਹ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਇਟ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਦੈਟ ਹਰਸੈਲਫ ਕਿ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਕਿਉਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਨਾਓ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਟੇਕਿੰਗ ਇਨ ਹਰ ਹੈਂਡ ਟੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਹੋਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ another thing jehdi main let me take this chance ke sare nu you know clarify kar da ki oh kehndi hai ki onu hi nahi kut pendi pyo munde nu vi marda hai hale vi he is adult he is even elder to this girl so oh sari family de vich hai she okay. yeah it's not just with her so exactly so dekho hun ethon je ta sirf enu kalli nu ha then she has to take a stand par agar brother nu bhi naal le leve he
then they both have to look at the pattern of the abuse from the father together. Because now it depends on if she being abused by mother, father and brother or is just that she is doing all these things. This situation is all on that basis. They have to analyze it. If both and father are doing it, फिर इन क्योंकि फिर दोनों स्टैंड ले सकते हैं ये और स्टैंड लेने का ये मतलब नहीं कि उन्हें जेल च भेजना बिकॉज दे लव हिम आई अंडरस्टैंड दैट ये बहुत जरूरी है कि ये फिर सब तो पहला तो इन्हों एज सून एज जो ये देखते हैं कि वह ट्रिगर हो रहे हैं इन्हों उस सिचुएशन तो अपने आप को क्विकली रिमूव कर लें अपने कमरे चल जन तो एक डीप ब्रैथ अपने अंदरों प्रेम भेजन जिन्नी देर तक अपने आप शांत नहीं हो जाते क्योंकि सब तो पहला तो इन्हों अपने आप से कंट्रोल करना पैना आई दे हैव टू बी पीसफुल ताकि एवेंचुअली गल करन दे काबिल हो सकन इट्स गोना टेक टाइम क्योंकि ये पैटर्न बन चुका एज सून एज वो कुछ कहता इन्हें अंदर भी अग का बरोड़ा जोड़ा फिर बन जाता दे हेट हिम एट दैट टाइम दे डोंट नो व्हाट टू डू ये पैटर्न जोड़ा इन्हों अंदर भी बनया हुआ सो उन्होंने पहले सब तो पहले कंट्रोल करना पैना इन्हों अपने अंदर ओके ते उस तो बाद फिर जिदा इन्हों ये अपने आप को कहना पैना कि जो कुछ भी पहले हो चुका मैं भी प्रभु की संतान हाँ ये बाप भी प्रभु की संतान हाँ पर मैं ना अब्यूज लैनी आ ना मैं देनी आ पैकों को देना ना पै भानत मान वाली गल करनी पैनी है कि ना मैं लैनी है तो ना मैं देनी है तो उस तो बाद मैं ये कहंगी कि अगर इन्हों का हले इन्ना हौसला नहीं पैंता गल कर Write it down. चंगी तरह वो explain करन कि जो कुछ भी हो चुका ठीक है असी थानू प्रेम करते हैं पर असी हुण अडल्ट हाँ ये चीज़ जिहड़ी आ कंटिन्यू नहीं रह सकती नहीं तो फिर ये कॉन्सीक्वेंस जिहड़े आ बहुत बुरे हो सकते हैं क्योंकि असी अडल्ट हाँ तो यू कैन हील योर लाइफ अरविंद जी yeah. मैं अगे भी पहला बहुत बार कहा Please tell her to get that book and read it. That will empower her to take her life back into her own hands. बहुत वधिया थैंक यू सो मच सतवान जी लेट्स सी होर की कह रहे ने क्योंकि ये भी सुनिए सारे तो कि डू यू थिंक जरा स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ वॉट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग वॉट यू मीन बाय दैट स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ थोड़े वास्ते की मायना रखता है ये बारे भी जरूर दस्यो बिकॉज कॉप्स न बुला लेना या कॉप्स नूं को या इंटरवेंशन किसी प्रोफेशनल दी हेल्प लेना भावें वो थेरेपिस्ट हैगे ने बिकॉज देयर इज समथिंग नॉट राइट यू नो मेंटल हेल्थ इस वेले डिस्टर्बड है सारिआं दी लैट्स एक्सेप्ट दैट सो थेरेपिस्ट अपने वास्ते सुजैसट करना राइटफुल टाइम दे उत्ते भरा वास्ते प्यो शायद पता नहीं यू नो मने ना मने बड़े गुड टाइम्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਲੈਣੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂ ਨੋ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਡਰ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸਤਵੰਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲਿੰਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਬੀਇੰਗ ਵਾਂਗੂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਗਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਐਂਗਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਓਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਵੋਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ अरविंद जी आई फॉरगॉट वन इशू देखो सलाह तो जो देती है वो तो सब ठीक है पर हैविंग डिस्कस्ड ऑल दैट द लास्ट इज हाउ टू रिजॉल्व इट जी ते दूसरे जिहड़े भी बंदे नाल तुहाडा डिस्प्यूट हो रहा है जी उन्हों कहो कि हैविंग अंडरस्टूड योर परस्पेक्टिव डू आई हैव एन ऑप्शन टू स्पीक जदों तुसीं इह कहिंदे हो ਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਯੂ ਇਨਵਾਈਟ ਹਿਸ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਵਾਟ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸੇ ਨਾਓ ਐਂਡ ਨੰਬਰ ਟੂ ਕਿ ਹੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਵਾਈ ਹੀ ਇਜ਼ ਐਂਗਰੀ ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਗਿਵਨ ਹਿਸ ਯੋਰ ਵਿਊ
and he is willing to understand. You have to invite his willingness to listen to you. That is very important. वो जिसे हो जाएगा तो फिर सारा कुछ हल हो जाएगा, आसान हो जाएगा. Okay. ठीक है, आई रियली होप के वो जिहड़ा सामने वाला वो इन्नी होश दे विच होए, बिकॉज एक दो एपीसोड्स जिहड़े इन्होंने मैनू दसे हैं उहदे विच इतना आपे तो बाहर हो जाण दा सिम्पटम्स हैगे हैं, एज इफ द परसन डजंट नो वट ही इज़ डूइंग. एंड मैनी वेरी ऑफन यह हुंदा होना, होर भी किसी दे घर या किसी होर सिचुएशन च इस फैमिली दे नाल डेफिनेटली हो रहा है कि थानू जिहड़ा बंदा है उस वेले अब्यूसिव हैगा उहनू वो आपे तो बाहर है, उन्हों पता ही नहीं लग रहा. सो जड़ा सामने जिस फॉर एग्जाम्पल जिथे ये खड़ी है उन्हों सिर्फ डर दे इलावा उस वेले कुछ नहीं लग रहा. सो एंड देर इज़ नो कमिंग बैक, जिमें बड़े केसिस देंदे कि बाद विच बड़ी बारी कर जाते हैं फिर रिपेंट करते हैं. सो देर इज़ नो साइन ऑफ रिपेंटेंस लेटर विच इज़ रियली सैड. सो प्लीज़ जरूर मैनू दसो की कहेंदे हो, मैं इन्हों पुछती हाँ. हैलो, हाँ जी, सत श्री अकाल. हां जी हरमिंदर जी, स्वागत है, दसो की कहंदे हो. नहीं, मैं कह रही हां कि रूट का सजाए हुंदा क्यों है, व्हाई पेरेंट्स आर अब्यूजिंग अस, क्यों मारदे हैं. कोई रीजन ते होएगा ना, क्योंकि ओदे विच भी आई मे बी कई बार ऐसा होंदा है कि पेरेंट्स भी इमोशनली डिस्टर्बड होंदे ने. कोई रीजन होएगा ताई कोई अपने बच्चा नु मारदा कोई नहीं है इजीली. There must be reason, ओदे विच भी कोई drawback होना कुड़ी विच भी. पहले ओ सोचे कि मैनू क्यों abuse कर रहे ने. मेरे नाल भी ऐसा एक बच्चा हैगा सी, कहंदी सी मेरी मम्मी कुटदी सी ते मैं पता की करदी सी, कहंदी मैं मुंह चिंगम पा लैंदी सी ते चुप करके बैठ जांदी सी, अगों बोलदी होई नहीं सी, अगों गल वधदी नहीं सी. मैनूं लगदा इह वी अगों रिस्पोंड बैक करदी होणी है ते पेरेंट्स नूं ज्यादा गुस्सा चढ़दा होणा है. मेरी जो रीडिंग है के मे बी ए रीजन भी होवे, इनू ये थोड़ी क्वाइट रहे, थोड़ी सोचे कि रीजन की है, क्यों वाए पेरेंट्स आर अब्यूजिंग मी. मैं तो जानना चाहती हूँ. ओके ओके, थैंक यू सो मच हरमिंदर जी. होर भी कुछ ध्यान आए जरूर कॉल करो एंड दसो, क्योंकि मैं एक जनरल, मैनू नहीं पता यू नो इस फैमिली नाल कितने तक की हो रहा है. शी इज़ टॉकिंग टू मी फॉर सम टाइम ओवरऑल, बट मैं इन जनरल जो सारे दे रिस्पोंसेस देख के समझ रही हाँ कि साड़ा ध्यान, आई एम ग्लैड कि ये बहुत ज़्यादा ऑफन साड़ी फैमिलीज विच नहीं होंदा, आई होप, क्योंकि कोई जो कॉल्स कर रहे हैं उन्हें तो लगता है कि उन्होंने कभी इस तरह की गल सुनी देखी नहीं है, अपने करांच नहीं देखी या यू नो कोई क्लोज इनकाउंटर उन्होंने नहीं होया. बट ऑन द अदर हैंड जिथे होंदा है एक मेंटल डेफिनेटली कोई हेल्थ इशू है जिदे विच होंदा है, बिकॉज जिस चे तुहानू आप नू ही नहीं पता, या फिर यू नो ड्रिंकिंग इशू होए या एंगर इशू, तो ऑफकोर्स है ही है. एंगर इशू का मतलब है सिर्फ गुस्सा आना नहीं, गुस्से तुसी की कर जांदे हो ये नहीं पता तुहानू. सो वो सारे इशूज़ जदों इकट्ठे होए हुए हैं वो दिख रहा है. सो इहदे विच एक अडल्ट नू तुसी सिर्फ असी बैठ के एनालाइज करिए, आई नो इट इज़ अ सीरियस सिचुएशन, क्योंकि थोड़ा अपना घर है, ब्लड रिलेटिव्स हैं, तुसी ये नहीं कह सकते कि जी स्पाउस हैगा डिवोर्स ले लो, तुसी रिलेशनशिप तो हट जाओ, बॉयफ्रेंड हैगा गर्लफ्रेंड हैगी है यू नो ब्रेकअप दिस रिलेशनशिप, सारी लाइफ पई है. दिस इज़ अ हार्ड सिचुएशन जिथे तुसी टाइज किस तरह तोड़ो, पर इट्स अ लास्ट रिजॉर्ट. पर की तुसी सोचते हो कि वो एक ऑप्शन है टाइज तोड़ना? एटलीस्ट मैनू लगता है फिजिकल अब्यूज दे विच फिजिकल डिस्टेंस बनाना जब पॉसिबल होए, जिवें कि सारे अडल्ट किड्स हैं, अपने आप ते निर्भर होके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होके फिजिकल डिस्टेंस बनाना बहुत जरूरी है. लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड तुसी इहदे बारे की कहंदे हो जरूर कॉल करो. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी. लेट मी सी होर की कह रहे हैं, इन्हों पुछते हैं. हैलो, हाँ जी, सत श्री अकाल. अरविंद जी सत श्री अकाल. कीर्ति जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग, बताओ क्या कहते हो आज? ये मैंने बहुत क्लोजली देखा हुआ है. अच्छा, अनफॉर्चुनेटली. ये रीजन जो निकल के आया, द फादर वॉज वेरी अब्यूजिव. अडल्ट दोनों लड़कों को ही यूज टू हिट लाइक क्रेजी विथ बेल्ट्स
एंड ऑल या और रीजन भी बहुत ही सिली हुआ करते थे. हाँ. जैसे रात के 10:30-11 एक लिमिट है, यू हैव टू बी होम. अगर 11:01 हुआ फॉर वट एवर रीजन तो बेल्ट से कुटाई निश्चित है राइट देयर. ओके सो और क्या सजेस्ट करते हो जिस साल के लड़के. तो रीजन जब मैंने उनसे पूछा कि तुम ये जो सहन करते हो क्यों सहन करते हो, तुम कमाते हो सब कुछ है, तुम बात करो कि क्या कारण है, व्हाई ही सिटिंग यू लाइक दैट. और ऑफ कोर्स अपनी वाइफ को भी हिट करते थे, मारते थे बहुत ज्यादा. तो रीजन जो निकल के आया वो था डिप्रेशन. अब डिप्रेशन ठीक है, वो बोलते हैं नहीं हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि हमको मालूम है कि कारण डिप्रेशन है. अच्छा. तो जब भी वो मारते हैं तो उनका कंट्रोल नहीं होता अपने ऊपर. मैंने बोला डिप्रेशन में इतना ज्यादा आपको, वो कमाते हैं, काम करते हैं, सब करते हैं, तो सबके साथ ऐसा ही होता है. बोला नहीं. तो मैं बोला डिप्रेशन तो हर जगह असर डालना चाहिए ना, नॉट ओनली योर ओन फैमिली मेंबर्स, क्योंकि आप कुछ कहते नहीं हो. So you are not, हाँ, तुम अपनी boundaries clear नहीं कर रहे. नहीं कर रहे, बस आप झेले जा रहे हो. अरे आप जवान पट्टे हो, आप बात कर सकते हो, लड़का हो या लड़की. आई डोंट अग्री की लड़कियों का अलग है और लड़कों का अलग है. कोई भी चीज, आप फिजिकल अब्यूज जब बात आती है ना, तब मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ. फिर चाहे वो कोई कहीं से भी हो, पति पत्नी से हो या पेरेंट्स की तरफ से हो या बच्चों की तरफ से हो, जहाँ वो एक लिमिट क्रॉस हो जाती है ना, चाहे रीजन आप डिप्रेशन की बात करते हो, देन यू नीड अ ट्रीटमेंट. राइट. तो आपके ऊपर वो ट्रीटमेंट असर करना चाहिए धीरे धीरे. लेकिन आप उसको एक बहाना लेके नहीं चलोगे पूरी जिंदगी और आप लगे रहोगे उस काम पे. आपको, आप जो डरते हो और आप आवाज नहीं उठाते उसके खिलाफ. और सो कीर्ति इस समय व्हाट डू यू कॉल, स्टे अवे. ओके स्टे अवे, फिजिकल डिस्टेंस बनाओ. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. आप 25-30 साल के हो और जैसे अभी आपने बात कही ना कि ये जो बहन है वो कहती है कि भाई का जस्टिफाई कर रही है ऐसा होना क्योंकि उसने बचपन से देखा हुआ है. नो आई डोंट अग्री विद दिस. It's a very dangerous. Yeah, बहुत dangerous situation है ये. adult kids को बहुत हम, मैं आप सबकी तरफ से जरूर कहूंगी कि जे वो जैसे वो अपने भाई को justify कर रही है ना, कल खुदा ना खास्ता वो अपने spouse, अपने intimate partners को भी justify करती ना रहे कहीं कि it's okay. So she has to, yeah. जाएगी अगर उसने अभी अपना स्टैंड नहीं लिया. और स्टैंड लेने का मतलब यही है, आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस वे, कि जो गलत कर रहा है ना दूर हो जाओ उससे. बहुत, चाहे बहुत. वो माँ बाप है, जी, दूर हो जाओ. जी कीर्ति, थैंक यू. जाके रहो कहीं पे भी जाके रहो. थैंक यू सो मच फॉर कन्विंसिंग, लाइक यू नो कन्विक्शन से आप ये जो कह रहे हो. थैंक यू सो मच. लेट मी टेक अनदर कॉल एंड सी के और सब क्या कह रहे हैं, इनको भी पूछते हैं. हेलो, हाँ जी प्लीज, टीवी तो परे हो जाओ ते दसो की कहंदे हो, कौन बोल रहे हो जी? सत श्री अकाल अरविंद जी, मैं कुलदीप बोल रही हां. हाँ जी कुलदीप जी, दसो की कहंदे हो आज? मैं कहंदी पई हां बेटी दी एज किन्नी हैगी है जी? तीनों भैन भरा 20 तो 27-28 साल दे विच ही है. जॉब करदे होने फिर तो हो? जी जी जी, जॉब करदे हैं. हाँ फिर ये होएगा जी, उन्हां दा जिहड़ा फादर उन्हूं मारदा है, जां तो उन्हूं कोई मेंटली प्रॉब्लम होएगी जी, जां फिर बेटी नूं पुछो जिवें ओह बोलदे आ कुछ कहंदे आ उहनूं कम बारे आ पैसे मनी बारे भी हो सकदा है चक्कर वी ओहदे करके मारदे होण ओह. वैसे तां कदी अज तक सुणिया नहीं एडे जवान बच्चे नूं कोई पेरेंट बाप या मां मारे जी. तुसीं आप सियाणे हो अरविंद जी. जी ठीक है, थानूं किवें लगदा है? मैनू जिन्नी कु उन्हां दीआं गल्लां तो पता लग्या कि वो गुस्से तो बेकाबू होके ही मारदे ने कदी किसी भी. ओए जिवें कीर्ति जी ने कहा ना, गल्लां कदी कदी बिल्कुल बेकार हुंदीआं, बस ट्रिगर हो जांदीआं. ट्रिगर्स हैं, ट्रिगर्स कहंदे आ ना कि तुसीं बाद च देखोगे कोई गल दा विच कुछ भी नहीं सी, आप नूं भी लगदा गल कुछ नहीं सी, पर उस वेले पता नहीं की चीज़ बटन कोई ऐसा प्रेस हुंदा है कि उस वेले तुसीं बेकाबू हो जांदे और उस तरह दे एपिसोड्स बनदे है. ओ बेटी नूं तुसीं, ओ बेटी नूं ए पुछो भी कदे थानूं प्यार भी करदे आ ओ? प्यार ये तो बहुत करती है, इन्ना मैं जरूर समझ आ रहा है गल करके कि ये बहुत प्यार करती है, पर होर तुसी इनू कुछ कहना चाहते हो? मैं होर भी कॉल्स लेंदी हूँ फिर.
ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ ਸਹਿੰਦੀ ਆ ਬੱਚੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਬੇਟੀ ਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਟਸ ਸੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਅੱਛਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਂਦਾ ਏ, ਜਿਵੇਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਏ। ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਤੋੜਨੀ ਪੈਗੀ, ਚੇਨ ਤੋੜਨੀ ਪੈਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਆਏ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਨੋਰਮਲ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵਿਚਾਰੀ ਚਾਚੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅੱਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੇਕੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਹੈ ਹੀ ਨੀ ਸੀਗੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਆਮ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਨੀ ਸਕਦੇ ਗੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾ ਗਾਲ ਦੇਣੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਏ ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਜਾਂ ਭਰਾ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਤਾਜੁਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਆਪਸ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਟਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਚੇਨ ਤੋੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੰਗਾ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਗਣਾ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਜਾਗਦਾ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕੁੜੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਗੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਆ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਲੱਗੂਗਾ ਹੀ ਨਾ, ਭਰਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ, ਮਾਂ ਵੀ ਸੋਚੂਗੀ, ਪਿਓ ਵੀ ਸੋਚੂਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ, ਤੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੂ ਫੇਰ ਸਰਕੂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣਾਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਚੱਕਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬੇਟੀਆਂ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਦਾ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਲੈਟ ਮੀ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੱਸੋ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਅਰਵਿੰਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੋਲਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਉਸ ਲੜਕੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਖਾਨੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ, ਅਗਰ ਉਹ ਅਡਲਟ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਵੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਬੜੇ ਝਮੇਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ ਉਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਸ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ। ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਬੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,
अगर नौबत आए तो जब वो कुछ नहीं देख रहे ते अगर लोड पे ते गो टू द कॉप्स बिग डील बिग डील जरूरत पे ते अपना स्टैंड लवे प्यार दी आड़ दे विच असि बहुत कुछ गलत करदे आ विच इज नॉट राइट हां जी ओ हुन ना सवे क्योंकि उन्हें बचपन तो ये माहौल देखया वो एक पागल खाना है वो घर नहीं है ऐसा तो बहुत ही घट सुनिया कि जिते इस तरह ऐसी चीज होवे सो अगर वो स्टैंड लेना जिसले ओदे हाथ कुछ भी नहीं रह जाता फिर उस स्टैंड ले सकती है हाँ, पर पहले वो पर फिजिकल डिस्टेंस हां जी पहले हाँ जी, कोशिश करें हाँ कि उन्हें को अलग हो जावे अलग अपने सुकून भरी जिंदगी जीवे छोड़े छोड़ दे हां हां बहुत वधिया थैंक यू सो मच सुदर्शन जी आई थिंक दिस इज ग्रेट के यू नो वड्डे छोटे जो भी सारे थानू ये कह रहे ने कि लाइफ इज प्रेशियस ये मिली है एक गिफ्ट ऑफ लाइफ जड़ा हैगा उनू जस्ट बिकॉज कि मैं कुछ नहीं कर सकती मैं इत्थे ही हां That's not who an adult ho. You know, make arrangements but physical distance zarur first step hai. Thano zarur move out karna chahida hai. Shayad kahi parents nu eh cheez theek na lage ki assi eh promote kar rahe haan. Par main over the time ode naal gal kar rahi haan aur kuch bhi behtar nahi ho raha. You know, I was waiting ke eh cheez na assi oh kar sakte. करनी पे सानू क्योंकि शायद होपिंग के ये शायद बहुत कॉमन ना होए जिस तरह सारे कह रहे हैं विच इज़ गुड के कॉमन नहीं है पर अगर है तो थोड़ा पूरा राइट अपनी लाइफ ते है अपने अपनी सैनिटी मेंटेन करन वास्ते अपनी जिंदगी नू यू नो सुखली और सोहनी तरह बिताने वास्ते बहुत जरूरी है कि तुसी यू कट योर सेल्फ फिजिकली फर्स्ट दैन इफ यू हैव टू बाकी सारे भी जिस सिचुएशन जिस तरह से होंगे तो कट टाइज I know it's hard, it's very difficult to think ki ye ja step lena, but trust me, oh baad vich jadon socho ki tarah dekhe right hoya. Ek oh step okha zarur hai, par zaruri bhi hai. Specially jis karke main keh rahi haan ki inna ne gal kiti aur is cheez di expectation ki dusra change ho jayega, doesn't work. So apne utte kaam karna bahut zaruri hai aur apne utte kaam karna उस तरह का है कि तुसी पहचानो कि तुसी एक जड़ी सोल हो वो भी उदा बनता नहीं कि वो इनजस्टिस या मार वो खांदी रहे सो यू हैव टू रियली स्टैंड फॉर योर सेल्फ आई थिंक नॉट शर्च एक आंगे कल एक ऑथर एंड मोटिवेशनल स्पीकर साढ़े नाल गेस्ट होंगे पर कॉल्स असी कल जरूर लांगे सो कई बार असी ट्यूजडे नहीं लै पाते मैं जरूर यह कह रही हूँ क्योंकि वो एंगर विच असी सैल्फ डिवेलपमेंट का जिहड़ी क्यों करना है क्यों एंगर नूं भावें अपना एंगर तो भावें सामने वाले का एंगर है रिलेशनशिप्स नूं इंप्रूव करन वास्ते क्यों सैल्फ डिवेलपमेंट करनी जरूरी है कल खूब सारे क्वेश्चंस इन्हां नूं पुछांगे क्योंकि उन्होंने बुक भी लिखी उन्होंने बहुत काम अपने उपर भी ते सारे नाल मिल के भी किया हो सो डू नॉट मिस टुमोरोज़ प्रोग्राम अज वास्ते इन्ना ही सत श्री अकाल